कानपुर के आईआईटी में उस समय हड़कंप मच गया जब आईआईटी में पीएचडी के मैकेनिकल इंजीनियरिंग के छात्र का शव हॉस्टल में फांसी के फंदे से लटकता हुआ मिला। घटना के बाद आईआईटी प्रशासन में हड़कंप मच गया और आनन-फानन में पुलिस को सूचना दी गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस और फोरेंसिक टीम ने मामले की जांच की, लेकिन अभी तक आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल सका है। लड़के का नाम भीम सिंह है, ये थर्ड ईयर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पीएचडी स्टूडेंट था और आज शाम को उसके दोस्तों ने, जब वो कमरे से बाहर काफ़ी घंटों से नहीं निकला तो फिर कमरा धक्का दे के खोला गया तो पाया कि वो कमरे के अंदर मृतावस्था में है। तो फिर उन्होंने सिक्योरिटी, लगभग 6 बजे की बात है, सिक्योरिटी को इन्फॉर्म किया। सिक्योरिटी ने फौरन पुलिस को और फॉरेंसिक टीम को भी बताया। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और परिजनों को घटना की जानकारी दे दी गई है। कानपुर से अमरीश त्रिपाठी, पंजाब केसरी टीवी।